हेलो भाइयों, सभी भाइयों ने राधे राधे। तो भाई, जैसे कि मैंने बताया था कि अब बालाजी जाने के बाद अब जा रहे हैं हम वृंदावन। पहले मथुरा जाएंगे, फिर उसके बाद वृंदावन। तो भाई ये जा रहे हैं हम मथुरा, और भाई सारे भैया ने राधे राधे। और भाई सारे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तो भाई बहुत लंबा टाइम लगेगा, पूरा का पूरा प्रोसेस है। जैसे जैसे हम घूमें पूरी वीडियो बना रखी है भाई। ये रास्ते में ट्रेन गुजर रही थी भाई तेल की। तो बस यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भाई मजे लो भाई वृंदावन मथुरा के। ओके भाई, चलो भाई चलते हैं मथुरा वृंदावन। तो भाई जब हमने बस में तो उतरने के बाद ले लिया ऑटो, तो भाई ऑटो से जा रहे हैं मथुरा। और भाई ये मथुरा के पास के वाला गेट है, बस जाने वाले हैं अब। थोड़ी ही दूर पे ही था वो मथुरा। तो भाई बस में उतरने के बाद बस सीधा मथुरा के लिए निकल गए थे। ये आ गया भाई मथुरा, यहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था भाई। इसमें अंदर जेल जाल सब कुछ है भाई, बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति है। पर यार अंदर जाना मना है, मतलब फ़ोन फोन ले जाना सब कुछ मना है, क्योंकि यहाँ पे केस वेस भी चल रहा है। मस्जिद है कोई, उसके ऊपर केस वेस चल रहा है, तो उसकी वजह से ले जाना बंद था भाई अंदर फ़ोन। ये भाई बाहर का फोटो, ये पीछे की साइड। यार यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा थे भाई, बंदर बहुत ज़्यादा थे भाई, खतरा था। तो भाई अब जा रहे हैं हम वृंदावन। तो भाई वृंदावन के लिए सब निकल दिए, मामा जी यार सब, हम जा रहे हैं बस अब वृंदावन के लिए। तो चलिए भाई अब चलते हैं वृंदावन, लास्ट को। तो भाई वहाँ से उतरने के बाद हमने ली थी ऑटो, अब भाई यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा आगे। ये ऑटो ली थी हमने, जिस ऑटो में हम आए थे वहाँ से मथुरा से ऑटो करी। उसके बाद भाई यहाँ पे वृंदावन जाएंगे। अब जा थोड़ी दूर का ही था यार रास्ता, बहुत ज़्यादा मंदिर हैं भाई, इतने हरे मंदिर बहुत ज़्यादा, घूम भी नहीं पाए। तो भाई आ गए हम वृंदावन, अब भाई जा रहे हैं कमरा ढूंढने। ये भाई कमरा कुमरा तो मिल गया भाई, बराबर में ही है एक धर्मशाला वहाँ पे। तो भाई बस अब मंदिर में जाएंगे अंदर पूजा करने के लिए। उससे पहले यार घर वालों को थोड़े बहुत गिफ्ट ले लिए कि गिफ्ट ले लें, मगर ले लो यार। तो भाई ये चल दिया अब रात के टाइम घूमने के लिए, सब के सब बैठ के चल दिया भाई रात के टाइम। तो भाई चलते हैं भाई, देख रहे हो कितनी भीड़ है रात के टाइम। यार अनसठ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। ये अंदर आरती हो रही है भाई, बहुत अच्छी आरती होती है, और मज़े आ गया भाई अंदर। जय श्री राधे राधे राधे, बहुत मज़ा आया भाई। यहाँ पे मतलब दूसरे अदर कंट्री के भी लोग आते हैं, मतलब जैसे अंग्रेज होते हैं ना, वो भी आते हैं यहाँ पे आज भाई। मज़ा आ गया बिल्कुल। मज़ा आ गया एकदम से। ये मंदिर के मतलब थोड़ा बाहर आ गए थे हम भीड़ से। ये देखो भाई कितनी भीड़ है। ये अंदर मूर्ति है भाई राधा कृष्ण जी की, ये देखो भाई कितनी भीड़ है। ये तो अभी कम थी भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। ये मंदिर है वहाँ का एक्सपोर्ट, पता नहीं क्या नाम था यार, मैं भूल गया। अंदर की मूर्तियाँ जो मतलब अदर कंट्री के हैं ना, जो इंग्लैंड के हैं, उन्होंने बना रखा है मंदिर, वहाँ के अंदर की तस्वीरें हैं। ये मामा जी का लड़का है भाई, हम सारे इकट्ठे होकर जा रहे हैं घूमने के लिए। ये जा रहे हैं, ये है भाई प्रेम मंदिर का। ये देखो भाई क्या मस्त मंदिर है यार, मज़ा आ गया भाई मंदिर का। तो प्रेम मंदिर है इसका मंदिर का नाम, और भाई बहुत अच्छा है भाई, बहुत। यहाँ पे ये प्रेम मंदिर के अंदर बना रखे झांकियाँ बहुत सारी। तो भाई ये वो है झांकियाँ हैं ये सारी की सारी, देखो क्या मस्त लग रही है भाई। ने नदी पार कर रहे हैं, मतलब दिखा रखा है ऐसे ऐसे दिखा रखा है कि क्या है ये, इधर ये अंदर इधर से पानी निकल रहा है, इधर का फोटो। ये मामा जी फैमिली, ये भाई व्यू है उसका प्रेम मंदिर का यार, क्या मस्त था। ये भाई ऐसी ऐसी मूर्तियाँ लगा रखी है भाई, कितनी बढ़िया बढ़िया मूर्ति लगा रखी है यार।
बहुत अच्छी थी भाई, बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई पूरा मंदिर है भाई, क्या बढ़िया। इस पे लाइटिंग बहुत मस्त लगती है भाई, लाइट 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 का सबसे बड़ा बढ़िया अच्छा किया यार। लाइट देखो यार कितनी बढ़िया है भाई, वाइट रेड, ये देखो येलो हो गई। अब बहुत मस्त लगता है भाई मंदिर, ये देखो रेड हो गया, पिंक हो गया, अब ब्लू होगा भाई। बहुत मस्त लगता है भाई लाइट में भाई, ये पूरा चक्कर लगाने भाई, बहुत बड़ा मंदिर है बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई अब दूसरे कलर का हो गया मंदिर पूरा। यहाँ पे भी सिट्टी बजाते रहते हैं जो मतलब गार्ड हैं, वो सिट्टी बजाते रहते हैं कि चलो भाई चलो आगे चलो, रुकना नहीं कहीं भी, क्योंकि यार बहुत बड़ा मंदिर है। उसकी वजह से भाई बहुत तगड़ा। इधर भाई ये गायों की मतलब मूर्तियाँ थी इधर चराते हुए कि कृष्ण जी के, तो भाई ये वहाँ की भी वहाँ का है। ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा कितना अच्छा लगता है, घूमने बहुत मज़ा आया भाई वहाँ। ये भाई नाचते हुए है मतलब कृष्ण जी, ये मंदिर भाई दूसरी साइड आ गए थे हम, मतलब जो उसकी बैक साइड है मंदिर की उस साइड आ गए थे। तो भाई ये देखो भाई इधर से यार कितना बढ़िया लगता है यार, ये देखो भाई कितना मस्त लगा। रात को बहुत अच्छा लगता है भाई, ये वहाँ पे देखो पूरा का पूरा व्यू, ये मंदिर हो गया, ये हो गया, ये गोवर्धन पर्वत है भाई इधर, ये गोवर्धन पर्वत है जो सा है, ये गोवर्धन पर्वत है। इधर मूर्तियाँ हैं, इधर भी मूर्तियाँ हैं। ये वहाँ का अंदर का जो मंदिर है ना वहाँ ही कहीं मतलब प्रेम मंदिर के अंदर का है ये पूरा का पूरा, ये अंदर मूर्ति लगा रखी है भाई, ये वहाँ के भगवान है मतलब। ये देखो वैसे वीडियो बनाना मना कर रखी थी भाई, पता नहीं कैसे कैसे बना के लाया मैं, वैसे मना कर रहे थे फिर भी मैं बना के ले आया। भाई ये वाली मूर्ति भाई बहुत बढ़िया लगी यार मेरे को यार, ये देखो भाई कितनी अच्छी लगती है यार, ये देखो क्या मस्त मूर्ति है भाई। या अगर जो आप लोग रियल में जाओगे ना भाई, रियल में वो वाली गाड़ी है। ये भाई हम बाहर आ गए, अब रूम पे जाने की तैयारी है, तो अब चल दिया भाई रूम की तरफ जहाँ पे मतलब धर्मशाला में रुक रहे हैं, अब वहाँ पे जा रहे हैं रात के टाइम। तो भाई सुबह हो गई थी, तो भाई हम आए थे घाट मतलब घाटू श्याम जी के मंदिर में, तो भाई तो भाई उसके बाद भाई हम बोटिंग करने के लिए आए थे भाई, ये नदी है यमुना है उसके किनारे, तो भाई मान नहीं रहा था यार, बहुत मुश्किल से बनाया ये भाई। कुछ फोटोज़ खींची मतलब जो अदर कंट्री के थे उनके साथ, ये देखो ये भाई अंदर नाव में बैठ गए भाई, नाव वाला मान नहीं रहा था, 40 रुपये में मान रहा था, फिर 20 रुपये में बनाया किसी तरह, क्योंकि यार 28 बंदे थे, बहुत फ़र्क पड़ता है यार, 28 बंदों का किराया कुछ ज़्यादा बैठ जाता, तो इसलिए बस सस्ते में निपटा जाए काम, तो अब बस चलने वाला है यार। ये चल गई, ये भाई ने चला दी, ये भाई यमुना जी, ये मैंने फोन ही डुबा दिया था, फोन ही बच गया, पानी में डूब जाता फोन ही। ये देखो ये मस्त था यार पानी में। तो उसके बाद बोटिंग करके भाई बाहर आ गए, तो भाई ये चिड़िया है भाई बहुत बढ़िया लग रही थी यार, यहाँ पे बहुत सारी इकट्ठा हो रही थी मतलब चिड़िया वगैरह बहुत थी भाई। ये देखो ये इधर का व्यू है सारा, ये देखो बहुत शांति थी भाई। ये हमारे वाले हैं जितने भी हैं, जितने हम बंदे आए थे हम सारे के सारे, ये भाई इधर का एरिया मतलब नाव नू खड़ी है सबकी बहुत लोगों की, तो
तो भाई ये वो एरिया है ये भाई ये। तो भाई अब आ गए हम राधा वल्लभ, मतलब जहाँ गुड़ सब बिखेर के जाती हैं। तो भाई हम अब हम वहाँ आ गए हैं। यहाँ पे यार आदिवासी आ गए थे, तो भाई उनकी आवाज़ देखो कितनी बड़ी, कितनी खतरनाक डरावनी आ रही है भाई। मूर्तियाँ हैं वहाँ पे, ये है भाई जहाँ पे मतलब राधा जी आती हैं वहाँ स्थापित है मूर्ति। मतलब यहाँ पे आती है राधा जी और श्रृंगार बिगाड़ के जाती हैं ये भाई। दूसरे मंदिर में आ गए, नाम तो यार मेरे भी याद नहीं, पर ये मंदिर बहुत बढ़िया था यार अंदर से। मतलब यहाँ पे कीर्तन चल रहा था भाई, मजा आ गया भाई कीर्तन में बैठे थे हम सब। ये राधा जी, इधर कृष्ण जी हैं, ये इधर पंडित जी बैठे हैं, ये कीर्तन करते, ये हमारे वाले बैठे हैं सब। तो भाई ये आखिरी बार मंदिर में हाजिरी लगाने आए थे, तो भाई अब बस अपने घर जाएंगे हम सब के सब। ये देखो भाई कितनी भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये देखो भाई ये हम स्टेशन पे भूख लगे तो खाने के लिए ले लिया था मामा जी ने, ये देखो सब में पटेगा। और भाई हमारी ट्रेन 6 घंटे लेट थी यार, 6 घंटे, और 6 घंटे अपने स्टेशन पे गुजारे, और भाई फिर उसके बाद अपने घर आए भाई, 6 घंटे हालत ख़राब हो गए। तो भाई लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार।